अगर मैं ये दुनिया छोड़ के भी चला जाऊं तो निधिवन में आके रोज रास रचाऊंगा। और आज भी बिहारी निधिवन में रास रचाते हैं महाराज, ऐसे भक्तों को भगवान के इंतजार में। अरे मैंने तो जन्म ही आपके लिए लिया है, फिर भी आप तो मेरी मोहब्बत पे भरोसा नहीं, फिर भी आप तो मुझ पे भरोसा नहीं। याद करो जनकपुर में जब हम आए थे, सारी बालाएं कहती थी प्रभु एक बार मुझे देख ले, एक बार मुझे देख ले। जो जैसे ही तैसे ही उठी धाव बाल वृद्ध को संग न धाव। तभी हमने कह दिया था जाओ, इस बार तो मैंने किसी का नाम लिखा दिया है, द्वापर में जब मेरा जन्म होगा ब्रज में जाकर के तुम गोपियां बन जाना, मैं आकर तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। अरे ब्रज की बालाओं, मैंने तो अवतार ही तुम्हारे लिए। अरे नहीं ऐसे जब मत रहना, इंसान बेफिक्र थे, अपने गुनाहों को नहीं देखना, दूसरे पे इल्जाम लगा देना। मोहब्बत में है ना शुक्रिया होता है, शिकवा नहीं होता। मोहब्बत में शुक्रिया होता है, शिकवा नहीं होता है। क्योंकि ये दिल में रहने वाले दिल से नहीं निकल ऋषि। एक नगर में गए हैं,
आज ब्रज की बालाओं की और इनकी लीला कुछ ऐसी है। एक बार गौतम ऋषि एक नगर में गए हैं महाराज, वहां पर एक व्यक्ति आया जहां पर गौतम ऋषि के लोग पैर धो रहे हैं, चरण धो रहे हैं, आरती उतार रहे हैं। ध्यान देना तिवारी जी, उसी नगर में से एक व्यक्ति आया और उसने गौतम ऋषि के मुंह पे थूक दिया। वही लोग संत का सम्मान कर रहे थे, वही लोग आरती उतार रहे थे, वही लोग उसकी पूजा कर रहे थे। और उसी सभा में आकर एक व्यक्ति ने गौतम ऋषि के मुंह पर थूक दिया। गौतम के पास बैठा आनंद नाम का शिष्य क्रोधित होकर उठा और थूकने वाले के गले को दबाने गया। ऐसे लगा जैसे प्राण निकल जाए। गौतम ने जी कहा, नहीं 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 नहीं, छोड़ो, शरणागत को चराखिए जाहि दीन पर नेह। छोड़ो इसको, इसने अपना कृत किया, हम अपनी सुकृति क्यों बिगाड़ ले इसके लिए। जब गौतम ऋषि ने यह कृत किया, मेरे भाई बहन, जिस व्यक्ति ने गौतम ऋषि के मुंह पे थूका था रोने लगा, फूट फूट करके रोने लगा। गौतम ऋषि ने कहा, भैया आप क्यों रो रहे हो, अब तो आपको जो करना था सो कर लिया ना। ये नहीं महाराज, मैंने अभी तक सुना था कि आपकी बात, आपका ज्ञान सिर्फ जुबान में है, आचरण में नहीं। मैंने लोगों की बातें सुन करके, लोगों की भावनाओं में आकर के, लोगों की सुनकर मैंने जो कृत किया, बल्कि कुकृत किया, मैं उससे बहुत शर्मिंदा हूँ। बोले ठीक है, आपने अपना काम किया, मैंने मेरा काम किया, फिर रोने की बात कहा। कहने लगा, महाराज जब मैंने ये कुकृत किया ना, उस समय मुझे आपके प्रति घृणा थी, मैं आपसे नफरत करता था, लेकिन सद्गुरुदेव आपके दृष्टिपात से, आपके सहनशीलता से अब मुझे आपसे प्यार हो गया। तब मैं घृणा करता था ना, लेकिन आज मुझे आपसे प्यार हो गया, आज मुझे आपसे प्रेम हो गया है, इसलिए मुझे लगता है कि अब कहीं आप मुझे ठुकरा ना दे, कहीं मुझे ठुकरा ना दे। और हंसते हुए गौतम ऋषि ने कहा, अरे भाई जब से जागे तभी से सवेरा, हम तो संत हैं, हम पहले भी आपसे प्यार करते थे, आज भी करते हैं, आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि हमें प्रेम करने के सिवाय और कुछ आता ही नहीं। आज ब्रज की बालाओं में ये दशा पैदा हो गई। यथार्थता में प्रेम की कीमत का एहसास जुदाई के पल में होता है। जुदाई के पल में ऐसा लगता है कि शायद इस शरीर में कुछ नहीं है। हमारे प्रियतम के पास हम जब तक हैं बड़े खुश हैं, जब प्रियतम से दूर चले जाएं तो प्रियतम की ये दशा हो जाती है जैसे उनके शरीर में कुछ रहा ही नहीं। यही तो है हरि की भक्ति की कृपा। कोई नकनागर, कोई चितचोर, कोई छलिया, कोई बकरी, आज उन्हें प्रेम हो गया है, क्योंकि क्या क्या निकालोगे तुम हृदय में से, क्या बिताए हुए पल भूल सकते हो, क्या एक एक चीज किया हुआ अच्छाइयां भूल सकते हो। ये तो कुबुद्धि सवार हो जाए और जिह्वा पे सारदा बुद्धि भ्रष्ट करके बैठ जाए तो मोहब्बत की कदर नहीं हो, बाकी इतना प्यार कोई करे ही नहीं जितना बिहारी आपसे करे। आज ब्रज की बालाएं
इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे थे, किम विश्वास संपादयते, कैसे तुझ पे भरोसा करें, अरे तेरी तो आदत है रोज नई गोपियों के साथ क्रीड़ा करने की। भगवान ने अपना अंतिम स्वरूप दर्शाया है और मथुरा की ओर चलते हैं। और जैसे ही भगवान मथुरा की ओर चल पड़े हैं, रथ पर सवार हुए हैं, ब्रज की बालाएं अपने आप को नहीं रोक सकती, रोज चोर चिचोर कहने वाले आज कन्हैया कन्हैया कह के रो रहे, जिन्होंने उन्हें माखन चोर कहा, जिन्होंने चित चोर कहा, जिन्होंने उन्हें छलिया कहा, जिन्होंने उनकी बंसी चुराई, जिन्होंने बार बार उनकी औलादें लगाई, आज उस कन्हैया के लिए फूट फूट कर रो रहे। और जिस राह से कन्हैया जा रहे हैं उस मिट्टी को भी माथे पर लगा कर कहते हैं, गिरधारी माफ कर दो कृष्ण खड़े कर दिए। एक में जितनी गोपियां उतने कृष्ण खड़े कर दिए, हर गोपी के पास से एक कृष्ण। आज उन्हें एहसास हुआ कि कन्हैया मुझसे कितना प्यार करते हैं। कन्हैया के लिए लोग विरह वेदनाओं में तड़पते हैं और कन्हैया जी जा रहे हैं, कन्हैया के चाहने वाले रोदन कर रहे हैं और कन्हैया प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान मेरी भी उम्र मेरे चाहने वाले को खुश, अरे खुश रहे वो जो हमें जानते, खुश रहे वो जो हमें जानते हैं, और उनसे ज्यादा खुश वो रहे जो हमें जानते नहीं। हम फकीरों से कोई भी दुआ ले जाए, हम फकीरों से कोई भी दुआ ले जाए, चाहे सम्मान कर जाए या अपमान कर जाए, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्म का फल
तो उसे ही भोगना है। हम फकीरों को देने से कुछ कम नहीं होता। जाने से दर्द होता है, पास रहकर के कोई अगर दूर कर दे तो उससे भी कहीं ज्यादा दर्द होता है। दूर के पास रहना, दूर होके भी पास रहना, ये मोहब्बत का संकेत है। और पास होके दूर हो जाने का मतलब है कि सामने वाला ये समझने लगा कि अब आप उसके बिना अधूरे हो और आपके साथ अब कोई नहीं है। तभी वो बार बार बताएगा हम हैं हम हैं। ब्रज की बालाओं को ऐसे ही लगता था कि अब कौन है इसका, कोई नहीं है, जो है हम ही है। अरे भाई, कई जन्मों से जो रिश्ता है बहुत सालों के बाद मिलता है। एक बच्चा पैदा होता है तो तुरंत नहीं चलता, खेत में बीज लगाते हैं तो तुरंत फल नहीं होता है, बड़ा होकर फल देता है। ऐसे जिसको अपने पूर्व जन्म में खोया वो इस जन्म में कहो समय के बाद मिलता है, लेकिन अगर एक बार मिल जाए तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि बिहारी बार बार नहीं मिलता। एक बार मिले तो एक ही साधे सब सधे सब साधे सब साधे। व्यवस्था ऐसी है, एक शिष्य गुरु के आगे आया, गुरु ने उसके हाथ में सेब पकड़ा दिया, बोले कितना है देना। गुरु ने शिष्य के हाथ में एक फल सेब का पकड़ा दिया, बोले ये कितना है, बोले जी एक है, बोले तो खा ले। दूसरे शिष्य से पूछा ये कितना है, उसने बड़े प्यार से उसके अंदर से बीज को निकाल दिया और बीज को दिखाते हुए बोला गुरुदेव ये खाने वाले के लिए तो एक है, एक ही बार खाके हजम कर जाए। और अगर कहीं इस बीज को उसने उगा दिया तो हरि अनंत है और इसका फल भी अनंत है। खा करके रख दो एक फल है, ऐसे कर्म का फल आपको मिला है।
अगर उसे लोगों में बीज बो दो, ज्ञान के बीज बो दो, तो वो अनंत है। ऐसे परमात्मा की कीर्ति, ऐसे जीवात्मा की कीर्ति बन जाती है। और अगर उसको खा लो तो वही का वही खत्म हो जाता है। लोगों के हृदय में आपके प्यार का अंकुर जग जाए। जिस तरीके से श्यामा गाय का गोबर जमीन पे गिरता है तो खाली गोबर नहीं, मिट्टी साथ लेकर उठता है। ऐसे सानिध्य में रहने के बाद उसके जीवन की शैली है। और अगर वो भी नहीं बदली, समाज में हमने कुछ फैलाया, वही फल पक जाए तो स्वादिष्ट होता है ना, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मानव शरीर का फल बिल्कुल उल्टा है। आम का फल कोई तोड़े तो कहोगे भैया चुप रहो, छोड़ो मत, पकने के बाद खाएंगे स्वाद आएगा, लेकिन ये बुढ़ापे में जब पकता है से शरीर ना, तो बड़ा कड़वा हो जाता है। इसलिए साधना बचपन में ही करनी चाहिए। जिनने बचपन में साधना नहीं करी वो कभी साधक हो ही नहीं। बचपन में कहे कि भैया भगवान का भजन करो, राम कहो, अजी अभी खेलने का टाइम है क्या गुरु जी, अभी तो खेलने खाने का टाइम है। और जब बुढ़ापे में राम निकलेगा ही नहीं, लाम 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 तो और लाम कर दे। बचपन से वृद्धावस्था में शरीर आपका साथ नहीं देगा, आपके शरीर में पीड़ा होगी। और अगर बचपन से साधक बने, संस्कार रहे, तो जीवन धन्य हो जाएगा। कन्हैया जी मथुरा की ओर चले। मैंने किसी दिन प्रसंग में कहा था कि हमारे कन्हैया जी से बड़ा राजनीतिक, शिव से बड़ा तांत्रिक और हनुमान से बड़ा मांत्रिक कोई पैदा ही नहीं। कथक आगे बढ़ेंगे, चलिए एक छोटा सा चेतावनी दी। छोड़ चला बंजारा, इस जीवात्मा को बंजारा कहा गया, इस नगरी को संसार, छोटी सी मेरी कल्पना है। किले के डोली पिया द्वारे पर आ गए, सारे अरमा धरे के धरे रह गए, देखते देखते रुक गई नाड़ियां, मुख पे ताले पड़े के पड़े रह गए। एक पल उनसे बतिया मैं कर न सकी, कुछ मैं कहती जुबा मेरी हिल न सकी। लेने आए थे वो लेके थे चल दिए, सारे कुल पे पड़ोसी खड़े रह गए। छोड़ चला बंजारा, ओ छोड़ चला बंजारा, ये नगरी छोड़ चला बंजारा, नगरी छोड़ I'm
जो जा।